स्पेशल पास्ता बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम पास्ता। ये ट्राई कलर का है जिसे मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा है। 1 कप ग्रेटेड गाजर, 1/2 कप प्याज जिसे मैंने फाइनली चॉप करके रखा है, 1/2 कप बीन्स उसे भी मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है, 1/2 कप शिमला मिर्च, थोड़े से गार्लिक, बटर, पास्ता मसाला, अमूल फ्रेश क्रीम। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन पहले से ही हीट होने रख दिया था और मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ किया क्योंकि हम बटर का यूज़ करेंगे और बटर बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है। तो पहले ऑयल डालें, उसके बाद बटर का यूज़ करें। बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे गार्लिक। दो मिनट तक पका लें इसे। गार्लिक थोड़ी फ्राई हो चुकी है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और जो भी बाकी की सब्जियां हैं हम सेम स्पेस में यहाँ पे ऐड कर देंगे। बीन, शिमला मिर्च, आप यहाँ पे कलरफुल शिमला मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। हम डालेंगे ग्रेटेड गाजर, मिला लें इसे अच्छे तरीके से और हमें 2 मिनट तक सब्जियों को भी इसी प्रकार पका लेना है। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, बट हमने बटर यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट रहता है और हम ये पास्ता मसाला यूज़ करेंगे इसमें भी सॉल्ट रहता है, तो सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डालें। एक बार हमें मिला लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। इस तरीके से आप पास्ता बनाओगे तो बच्चे क्या बड़ों को भी आपकी पास्ता बहुत पसंद आएगी। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें। अब हम ऐड करेंगे अमूल फ्रेश क्रीम। आप कोई भी क्रीम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप क्रीम के जगह यहाँ पे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमें एक क्विक मिक्स देना है। पास्ता भी क्रीम के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम ऐड करेंगे पास्ता का मसाला। मैंने स्मिथ एंड जोन्स का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और हमें यहाँ पे ऐड करना है थोड़ी सीजनिंग। सीजनिंग में मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड हर्ब का यूज़ किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अदरवाइज़ आप इसके बिना भी बना सकते हैं, बट बच्चों को इसकी टेस्ट बहुत पसंद आती है। और हम यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा ड्राई ओरिगैनो। मिला लें इसे एक बार अच्छे तरीके से और हमारा बेहद ही ईजी और क्रीमी पास्ता बनके तैयार है। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, बट आप ऐसे बनाओगे तो बड़े भी इसके फैन हो जाएंगे। चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।